और रन पूरा करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट 17 पे पहुंचा स्कोर क्रिश इंटरप्राइजेस दीवा का 3 विकेटों के नुकसान पर। प्रथमेश मात्रे जिनकी 18 और 19 तारीख को शादी खाना आबादी है, उन्होंने अपने तमाम क्रिकेटर्स दोस्त और अहबाब को ओपन दावत दी है कि उनकी शादी में शिरकत करें। इस मतलब आप बैकफुट पे चले गए थे, स्ट्रोक के लिए जगह भी बनाई, कट किया गेंद को डीप पॉइंट पर, बैकवर्ड पॉइंट से गेंद को उठाया फील्डर ने, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने, कुल मिलाकर 19 रनों पे पहुंचा स्कोर 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं किशोर, बढ़िया गेंद, आगे रखा था, पैर नहीं चले थे, जगह से खड़े खड़े खेले थे, सवाल पूछा अंपायर सहमत नहीं। स्कोर इस वक्त 19 रन क्रिश इंटरप्राइजेस दीवा का 3 विकेटों के नुकसान पे, 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं किशोर, लगातार गेंदों में तब्दीलियां कर रहे हैं। इस बीच गेंद फ्लिक किया फ्रंट फुट पे आके जानबूझकर, हल्के हाथों से खेला हुआ स्ट्रोक, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन गेंद पहुंची, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, कुल मिलाकर 21 रन हुए क्रिश इंटरप्राइजेस दीवा के 3 विकेटों के नुकसान पे 21 रन। महेंद्र पटेल फॅम टीम कालिकमाता खारभाव संघाला पण एक्शन मध्ये पाहतोय। खारभाव की टीम बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है अभी तक। इसमें दबा लंबा हिट और इनको जाना होगा, यस आउट हो गए बैट्समैन। ओल्डी गोल्डी क्रिकेट मध्ये ओल्डी गोल्डी संगीत आपण ऐकतोय। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे इस वक्त, वहां पे ओम साई अटोकिंग के किंग डीलर, ये देखिए सुरेंद्र पाटिल और शरद मात्रे बहुत खुश है क्योंकि उनकी गेंदे काफी चली है। इस बीच गेंद बैकफुट पे चले गए, कट शॉट जरूर किया लेकिन पूरी तरह गेंद बल्ले पे नहीं आई थी, गेंद स्क्वायरिश थर्ड मैन पर और बैट्समैन आउट। कितने रन आउट हुए, इनकी सेंचुरी हुई क्या नहीं रन आउट की? 97 हो जाएंगी। इस वक्त स्कोर इस वक्त 22 पे 5,
दो रन बना लिए बैट्समैन ने, दीवा का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 24 रनों पर 24। बैट्समैन 40 प्लस में रन आउट हो गए हैं और लगता है कि अभी एक इनिंग बाकी है, सेंचुरी आज ही हो जाएंगी। कितनी गेंदें बची है, 98 बैट्समैन ओल्डी गोल्डी में अब तक रन आउट हुए हैं, 3 गेंदें बची है। गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज, पटकी भी गेंद लेकिन आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, करीब से चलेगी विकेट कीपर के दस्तानों में। आप देख रहे हैं क्रिकेट के रंग, महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग एमएलए ट्रॉफी 2018 ओल्डी गोल्डी क्रिकेट चलता हुआ। अच्छा ड्राइव, छोटी बैक लिप से गेंद को लॉन्ग ऑफ पे खेला है, 1 रन बनता हुआ, दूसरे के लिए जा रहे हैं, नन्हे अन्नो हुए बैट्समैन आउट हो गए। मैंने कहा कि सेंचुरी आज ही हो जाएंगी क्योंकि अभी उनके 10 बाकी है, 2 तो देने ही वाले हैं। आखिरी गेंद है और देखना है क्या ये बैट्समैन भी खुद को रन आउट करके सेंचुरी यहीं करते हैं या अगली टीम को करने देते हैं। इस बीच अगेन ड्राइव किया, गेंद को आउटफील्ड में 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं और नट आउट। तो कुल मिलाकर रन बने 28-29 रनों की चुनौती रखी है यहां पर मुकाबले को जीतने के लिए। एकोणतीस धावांचा आव्हान ठेवलेलं आहे कालिकामाता खारवा या संघासमोर। मित्र उद्या आमचं शेड्यूल ठीक 9:30 वाजता सुरू होणार आहे। उद्या नवीन 40 प्लस मधील पहिला सामना आपण पाहणार आहोत प्रगती भादवाडा विरुद्ध रिचा स्मृती पायगाव या दोन संघामध्ये, त्यानंतर गावदेव केवणे विरुद्ध छत्रपती शिवाजी वडुनवकर, तिसरा सामना पहिल्या आणि दुसऱ्या सामन्यामधील विजेता संघामध्ये खेळला जाईल, त्यानंतर रेग्युलर सिटी क्रिकेट मधील सामना आपण पाहणार आहोत हमी स्पोर्ट्स विरुद्ध भावी स्पोर्ट्स किरवली, त्यानंतर समीरा स्पोर्ट्स विरुद्ध अल फतेह स्पोर्ट्स, त्यानंतर 40 प्लस मधील जागृत मराठा विरुद्ध आदर्श राजनोली, त्यानंतर 15 कालेर विरुद्ध विक्रम स्पोर्ट्स वडुनवगर, त्यानंतर सामना असणार आहे साईकृपा डुंगे विरुद्ध गावदेवी अंजोर, आणि त्यानंतर सामना ओम शेफ फिशे विरुद्ध कालिकामाता खारबाव आणि क्रिश एंटरप्राइजेस दिवा जो सध्या सुरू असलेला सामना आहे त्या सामन्यामधील विजेता संघ, त्यानंतरचा सामना श्याम स्पोर्ट्स धामणगाव विरुद्ध साईकृपा डुंगे आणि गावदेवी अंजोर मधील विजेता संघ,
त्यानंतर नंबर वन संघ आपण गावदेव भादवड संघाला ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. चाविंद्र स्पोर्ट्स चाविंद्र या संघासमोर आणि उद्याचा रजनी मधील शेवटचा सामना असणार आहे अश्वनिक ठाकूरवाडा विरुद्ध जयभजन कारिवली. या ठिकाणी अमजाबाई उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. महेश जाधव आपल्याला विनंती राहील, आपल्या शुभास्त्यावर त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. आमदार चषक 2018 तिसरा दिवस, शेवटचा चार ओव्हरचा खेळ बाकी आणि त्यानंतर आजच्या तिसऱ्या दिवसाला आपण पूर्णविराम देणार आहोत. एमएलए ट्रॉफी 2018 स्पॉन्सर अँड सपोर्टर्स अटलांटा इडनवर्ल्ड, ऑनर नेम जितूभाई, प्रख्यात होम नरेश शर्मा, भूमिवर्ल्ड नांजीभाई, आरम लॉजिस्टिक विनू मालदे, युतिक एंटरप्राइजेस भरत पाटील, रॉयल मोटर्स इरफानभाई अन्सारी, एस एस तारे एंटरप्राइजेस साईनाथ तारे, त्रिमूर्ती एंटरप्राइजेस गजेंद्र गुळवी, पूर्वा एंटरप्राइजेस ज्ञानेश्वर जयेंद्र म्हात्रे, प्रदीप पाटील राहणार, प्रथमेश एंटरप्राइजेस विनोद माधव पाटील, ओमसाई ऑटोमोबाईल ऍटो किंग सुरेंद्र पाटील, भवन पाटील, नारायण मच्छा, दिलीप गुळवी, ओमसाई वाराई टेम्पो असोसिएशन सोनाले, गणेश तरे, सुरेश तरे, गोकुल पाटील, रविकांत म्हात्रे, भावेश ठक्कर, ए एस फिटनेस सेंटर अरुण भोईर, कॅपिटल टेलर अनिल तावरे, भाविक एंटरप्राइजेस साई गणेश इन्फ्रा रुपेश दादा म्हात्रे, मयूरेश एंटरप्राइजेस संजयभाई म्हात्रे, केजर एंटरप्राइजेस संजयभाई म्हात्रे, मतीनभाई अमित कांबळे, जय मल्हार एंटरप्राइजेस महेश जाधव, हर्ष शॉप एंटरप्राइजेस राजेश नाईक, नाईक केबल नेटवर्क रणजित नाईक, साईसागर वॉटर सप्लायर्स निलेश नाईक, हर्षाली मंडप डेकोरेटर्स कैलास पाटील, विनर डेव्हलपर्स दीपक शहा, ओमसाई बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स कैलास म्हात्रे, बाबोसा लॉजिस्टिक सुशील बोत्रा, तनिष्का एंटरप्राइजेस संतोष म्हात्रे अँड अनिस खान, बालाजी पेंटर, ललित भाई मेगा फाईन फॅब्रिक प्रायव्हेट लिमिटेड, नामचंद भाई टॉपमॅन एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, सतीश भाई, शिवप्रिया सेंटेक्स, विनोद भाई, प्रवीण भाई सुरस टेक्सटाईल, सुभाष भाई सारस कलेक्शन, सुरेश भाई प्रेस पीट, गोपाभाई कैलास सायंटिफिक, विनोद गुप्ता, प्रभूभाई श्रीनाथ पाटील आणि प्रिन्स मूवीज रवींद्र गुळवी. थँक्यू ऑल सपोर्ट अँड स्पॉन्सर. न्यू इनकलाब खारबाव अजीत कारबारी ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है खारबाव की टीम को. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर पहुंच चुके हैं, उमेश और महेंद्रा. जबकि गेंदबाजी के लिए ये देखिए, पहली गेंद बैकफुट पे चले गए, फोर्स किया गेंद को, लॉन्ग ऑन पर एक रन बनता हुआ. तेजस विराट कोहली ऑफ दीवा, वाह इनको ऑल द बेस्ट कहा है. ओके अच्छा ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे, थोड़ा जरूर थ्रम्बल हुआ है. थ्रू देखिए बहुत वाइड जाता हुआ, तीन तीन खिलाड़ी झपट रहे हैं, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ दो पे पहुंचा. एक है गेंदबाज जो 40 प्लस के रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं. अभी तक वो कह रहे हैं गेंदबाज कूटे फेंकते हो अर्जुन. अंपायर और स्टंप्स के बीच से गेंदबाजी कर रहे हैं. ये देखिए हाथ इलाके गेंद फील्डिंग को लगा रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हो रहा है, जगह बना के खेलना चाहते थे. अपील जोरदार, अच्छा है गोकुल दास पाटिल है. शत्रुघ्न सिन्हा रहते इस अपील पे कहते कि खामोश, शन्नो से कहना कि शत्रु आया था घासलेट लेके. ये देखिए किस तरह से बीट हुए थे ऑफिस टाइम के बाहर. राइट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा चीप किया, बहुत अच्छा स्ट्रोक, जानबूझ के चीप स्ट्रोक खेला था. जब तक के गेंद को उठाते वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी दो रन पूरे किए बैट्समैन ने,
इन दो रनों से स्कोर चार पे पहुंचा है। 29 का लक्ष्य है दीवा ने रखा है यहाँ पर कालिका माता खारबाओं के सामने। खारबाओं वैसे भी क्रिकेट की बहुत बड़ी पंडरी है, जहां से सिटी क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट, 40 प्लस, न्यू 40 सब में एक से खिलाड़ी हैं। अंपायर और स्टंप्स के बीच में से जाते हुए अच्छा ड्राइव ऑफ वॉली पे लेकर फील्डर मौजूद हैं एक्स्ट्रा कवर में, एक रन बनता हुआ स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 5 रन। ये भी लगता है चार ओवर पूरे खेल के दम लेंगे जिस तरह की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। अंपायर और स्टंप्स के बीच से जाते हुए इस मरतबा आगे इनको लॉफ कर दिया है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। ओ बढ़िया कैच की कोशिश लेकिन छूट गया वहां पर, 2 रन बने। कोशिश बहुत अच्छी थी, ऊंचे कद के खिलाड़ी थे और 2 रन से 1 ओवर की समाप्ति पर रन बने 7। मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा, 7 रन बने, 3 ओवर में 22 चाहिए। बहुत बढ़िया कोशिश की थी लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने। एक गेंद बाकी है क्या इसमें? नहीं, ओवर हो चुका है। 1-1-0, 2-1-2। अंपायर गोकुलदास पाटिल होता है, नींद में आदमी चलता है तो नींद में गेंदे कैसे नहीं भूलेगा। ये देखिए किस तरह से कैच छूटा था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। आमदार रुपेश दादा मात्रे जी मैच का मजा लेते हुए, अन्य मान्यवर्ष मैच जादू जी भी नजर आ रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। देर रात एक बात है कि एमएलए ट्रॉफी फेस्टिवल रहा है इस इलाके का, जहां पर देर रात आप कई मान्यवर्ष देखते हैं। दिलीप नाइक भी वहां पे मौजूद हैं, यशवंत टीम के कैप्टन, भादौड़ के अरुण, ये समालोचक शशी मात्रे सर ने अपन पाहू शकता, वॉइस ऑफ दिवा। शशी मात्रे, यस शशी मात्रे को पीछे दिखाया जा रहा है। अच्छी कमेंट्री की थी उन्होंने हमारे साथ। गेंदबाजी में अब लगाया गया गेंदबाज कैलाश। लूजनर थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, गेंद को स्वंग जरूर किया, गेंद डीप स्क्वायर लेग पर पहुंची, 1 रन, स्कोर 8 पे पहुंचा। सिर्फ इस मैच की एक अलग बात शुभा धुमा ले है कि अभी तक जितने भी बैट्समैन है उन्होंने मुंबई की स्लो लोकल पकड़ी। वैसे भी देर रात लो स्कोरिंग मैचेस रहते हैं, सिटी क्रिकेट जब होगा जब हम देखेंगे क्या होता है। फिर से फ्लाइट दिया था, फंसा दिया बैट्समैन को, लालच दिया था, और वैसे भी लालच सिर्फ बुरी नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत बला भी है। बढ़िया गेंद, धीमा किया था वहां पर, ढूंढते रह गए बैट्समैन। अच्छी गेंदबाजी करे कैलाश, इस मरतबा गेंद को ऊपर के ऊपर भेज दिया हवा हवा में, 6 रन, बहुत हो गई रनबंदी, नहीं चलेंगी। क्या शॉट खेला है बैट्समैन ने, हवा ये वही शॉट अपन बात हुई, अतिशय उत्कृष्ट फटका। जयन मना गोवे संघाचे अष्टपैलु खेळाडू जगदीश पाटील यांच्याकडून आमदार चषक 2018 साठी आणि या दोन्ही संघांसाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेले आहेत। 14 रनों पे पहुंचा स्कोर। जब लो स्कोरिंग मुकाबले रहते हैं
और उसमें अगर एक बड़ा स्ट्रोक लगे तो फिर मैच का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। यही कारण है कि दीवा के तीन खिलाड़ी यहां जमाए और तीन खिलाड़ी वहां जमाए। सिर्फ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का जो खिलाड़ी है वो अकेला बैठा है नीचे, चार गेंदबाज के पास, तीन विकेट कीपर के पास, दो उधर और तीसरा उनके पास। चौदह रन बिना किसी विकेट के, यहां से पंद्रह रनों की आवश्यकता है और गेंदे बची है चौदह। कपिल मात्रे अपने गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए, महेंद्रा बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, गेंद जमीन की सतह से लगती हुई चली गई थी आउटफील्ड में, एक रन, पंद्रह पे पहुंचा स्कोर। उमेश सामना कर रहे गेंदबाज कैलाश का, फुल टॉस गेंद और ये तो जाएंगी बाहर, छह रन बीमर। कपिल मात्रे का समझाना काम नहीं आया, गेंद दूर चली गई वहां पर, सात रनों के लिए स्कोर अब 22। दीवा की कठिनाइयां बढ़ती हुई क्योंकि फ्री हिट है, 22 रन बने। दिवाली के दिन गेंदबाज ने सिर्फ मिठाई का बक्सा नहीं बल्कि अक्का पिकअप भर के दे दिया उधर। फ्री नहीं है, 40 प्लस का क्रिकेट है, इसमें बहुत कुछ अलग होता है। इस मरतबा फ्रंट फुट पे आए, पुल और पावरफुल, एक और सिक्सर, एक रन चाहिए कालिका माता कालवार को, कालिका माता खरबाओं को मैच जीतने के लिए। महेंद्र पाटिल फैम टीम है, बारह गेंदे और एक रन। केवल एक धाव की आवश्यकता है कालिका माता खारबाव संघाला सामना जिंकने साठी। डिफेंडिंग चैंपियन संघ अपन पहतो, कितना रन दिए है पिछले ओवर में, इक्कीस रन दिए जबकि 12:13, 25 होते हैं, उन्होंने 21 दे दिए। ये देखिए नरेश मात्रे, अंदाज तो कुछ अलग ही लग रहा है उनका बैठने का। ये देखिए शेजारी वाल्या, इस मरतबा गेंद को लॉफ कर दिया सीधा पत्रे पे, छह रन, क्या जबरदस्त शॉट है, इस मैच को जीत लिया है कालिका माता खारबाव ने। अभिनंदन हार्डलक दीवा, इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं महेंद्रा और अपोजिशन की तरफ से दिलीप। इज ओवर टू मनोहर तरे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं सिद्दीक बाबे साथी कमेंटेटर शाहिद खान अजय गढ़ा सुभाष धुमाल के साथ आपको मनोहर तरे के पास लिए चलता हूं, तब तक के लिए शुभ रात्रि शब बखैर। थैंक यू सिद्दीक बाबे सर, अरे आजची शेवटची रात्र आहे कालिका माता खारबाव संघाच्या नावाने, खूप सुंदर मेगा सिक्स मारून विजय संपादन केलेला आहे। लवकर यायचं आपण, मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आहे आणि मॅन ऑफ द मॅच विनर आहे महेंद्र, महेंद्र उमेश शेलार बालाशेट यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते। हा
लॉसर लॉसर ला दिलीप अपने बेस्ट प्लेयर म्हणून आपली निवड झालेली आहे त्याला दिलीप मात्रे यांच्या शुभास्ते आपण ही मोमेंट देणार आहोत प्लीज वेलकम ऑन स्टेज शाखा प्रमुख बबन पाटील यांच्याकडून हे स्पॉन्सर आहे आपण हरला तरी सुद्धा एक बेस्ट परफॉर्मन्स म्हणून आम्ही हे सन्मान जी आपला देतोय त्यानंतर सन्माननीय महेंद्र भाऊंना विनंती असेल आपण पुढे जाय डंबिलीचे उद्योगपती उमेश शेलार बालासेट यांना विनंती असेल की आपण मोमेंटो द्यायचे ओम से एटोकिंग प्रोप्रायटर सुरेंद्र पाटील साहेब यांनी हे स्पॉन्सर केलेलं आहे हा त्यानंतर हर्ष एंटरप्राइजेस यांच्या माध्यमातून शिक्षक सेनेचा हा गिफ्ट टेम्पल दिला जात आहे त्यानंतर शिव व्यापारी सेना महाराष्ट्र राज्य रमाकांत गुरु यांच्या माध्यमातून ही बॅग त्यानंतर हर्ष एंटरप्राइजेस राजा नाईक यांच्या माध्यमातून ही टेम्पल कैलास खंडू मडवी विभाग प्रमुख यांच्या मधून गिफ्ट टेम्पल त्यानंतर ओम साई एंटरप्राइजेस विनीत थळे दीपक थळे अनिल थळे प्रेम थळे यांच्याकडून गिफ्ट टेम्पल साईयुग एंटरप्राइजेस संजय थळे यांच्याकडून गिफ्ट टेम्पल आहे मान्यवरांना विनंती असेल की आपण नक्कीच हे गिफ्ट टेम्पल द्यायचं धन्यवाद मित्रांनो आजचा हा तिसऱ्या दिवसातील शेवटचा सामना संपन्न झाला उद्या भेटू सकाळी 10 वाजता तोपर्यंत नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र शुभरात्री आणि हिरामान पाटील आमचे कार्यकर्ते त्यांचा जो वाढदिवस सुरू झालेला आहे हिरामान